Now, next topic about identifiers in Java. Java के केस में जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था बेसिक थिंग्स अबाउट जावा लाइक जेडीके वर्जन्स फीचर्स ऑफ जावा क्लास एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. नेक्स्ट में इस केस में जस्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आइडेंटिफायर इन जावा. जनरली आपने देखा हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो तो प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए मोस्टली आप यूज क्या करते हो सम स्पेशल सिम्बॉल्स और सम ऑपरेटर्स और सम कीवर्ड्स और वर्ड्स. क्लियर. लाइक डेटा टाइप, डेटा टाइप यूज करते हो, डेटा टाइप मीन्स सम कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड वर्ड्स. सेम अगर आप कोई फंक्शन नेम यूज करें लाइक सी लैंग्वेज प्रिंट एफ स्कैन एफ सी आर एस सी आर लाइक जड़े सारे के सारे नेम कैसे हैं प्रीडिफाइंड नेम मीन्स वर्ड्स. मीन्स फाइनली मैं बात करूँ अबाउट वर्ड्स. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए यूज क्या करते हैं सिम्बॉल एंड सम वर्ड्स. वर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं चाहे वो सी का केस हो सी प्लस प्लस और जावा और एनी लैंग्वेज. मीन्स सम या तो आप प्रीडिफाइंड वर्ड्स यूज करोगे या फिर खुद से न्यू वर्ड्स क्रिएट करना पॉसिबल. मीन्स वर्ड्स कितने टाइप्स के हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स और प्रीडिफाइंड वर्ड्स. इन प्रीडिफाइंड वर्ड्स को आप नेम दे दो जनरली एज अ कीवर्ड्स. दिस प्रीडिफाइंड वर्ड्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली कीवर्ड्स और वी कैन से रिजर्व वर्ड्स. दूसरा केस इसके अलावा आप जितने भी नेम यूज कर दो मीन्स एक्सेप्टिंग कीवर्ड्स कीवर्ड्स के अलावा जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं इन सभी वर्ड्स को नेम दिया जाता है एज अ आइडेंटिफायर. जनरली कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के रिस्पेक्ट में अदर डिस्कशन की बात करें कीवर्ड्स क्या हैं फिक्स्ड इनके मीनिंग्स ऑलरेडी कैसे हैं प्रीडिफाइंड और फिक्स्ड और नॉन टू द कंपाइलर. क्लियर. आइडेंटिफायर्स के केस में किस आइडेंटिफायर्स को कौन सा फंक्शनैलिटी असाइन करना है ये कंप्लीटली डेवलपर और प्रोग्रामर पर डिपेंड करेगा. मीन्स फॉर एग्जांपल्स अगर आपने कोई फंक्शन या नेम क्रिएट किया है M1 अब M1 के लिए किस टाइप के फंक्शनैलिटी आपको इसके साथ एसोसिएट करना है आप पर डिपेंड करेगा आप इसके अंदर लॉजिक किस टाइप के प्रोवाइड करें. मीन्स आइडेंटिफायर वो वर्ड्स होंगे जो मैनिपुलेट होंगे यूजर के थ्रू या डेवलपर के थ्रू या प्रोग्रामर्स के थ्रू. लेकिन कीवर्ड्स कैसे हैं इट इज नॉन टू द कंपाइलर इट हैज सम प्रीडिफाइंड नेम्स सॉरी प्रीडिफाइंड मीनिंग्स. वन मोर थिंग्स कीवर्ड्स आर लिमिटेड. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में कीवर्ड्स क्या हैं सम लिमिटेड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल सी सी के केस में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं आई थिंक 32. सेम है सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ फिक्स्ड और रिजर्व वर्ड्स कितने हैं 48. सेम है इन जावा जावा के केस में सम रिजर्व वर्ड्स और प्रीडिफाइंड वर्ड्स कितने हैं जस्ट मैं बाद में डिस्कस करूंगा सेपरेटली नियर अबाउट 52. क्लियर. मीन्स कीवर्ड्स क्या हैं और रिजर्व वर्ड्स क्या हैं लिमिटेड. लेकिन आइडेंटिफायर की बात करें इट हैज नो लिमिट देयर इज नो लिमिट. रीजन अब मैं जस्ट डिस्कस करूंगा इस केस में सबसे पहले डिस्कस करूंगा डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स. जस्ट डेफिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कन्वेंशन रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स. मीन्स आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सम प्रीडिफाइंड कंपाइलर स्पेसिफिक रूल्स. अगर आप आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के केस में रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो उसके इसमें ऑलवेज रेज किया हुआ सम कंपाइल टाइम है. फर्स्ट वन डेफिनेशन पार्ट. डेफिनेशन इसका सबसे सिंपल है मीन्स टेक्निकली इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है. सिंपली अगर कोई भी वर्ड आपके थ्रू खुद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसाइड करना पॉसिबल है खुद से यूज करना पॉसिबल खुद से नेम प्रोवाइड करना पॉसिबल है उस पर्टिकुलर वर्ड्स को आप नेम दोगे एज अ आइडेंटिफायर. और अदर केस एक्सेप्टिंग आइडेंटिफायर रिमेनिंग वर्ड्स आर सॉरी एक्सेप्टिंग कीवर्ड्स रिमेनिंग वर्ड्स आर आइडेंटिफायर्स. मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में आप जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं वर्ड्स में से अगर कीवर्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए देन इट नथिंग बट इट इज इक्वलेंट टू आइडेंटिफायर. मीन्स कीवर्ड्स के अलावा रिमेनिंग सारे वर्ड्स कैसे हैं आइडेंटिफायर. जनरल टर्म्स है नॉट अ मैथमेटिकल्स. क्लियर. आइडेंटिफायर की इसमें सिंपल डेफिनेशन क्या है आइडेंटिफायर इज अ नेम इन जावा और वी कैन से आइडेंटिफायर इज एन यूजर डिफाइंड नेम्स इन जावा. तो जनरली यूजर किस पर्टिकुलर केस में नेम डिसाइड कर सकता है फॉर एग्जांपल्स जब भी आप क्लास के केस में सॉरी प्रोग्राम्स के केस में जब भी आप कोई पैकेज क्रिएट करते हो या क्लास नेम क्रिएट करते हो इंटरफेस नेम या इनेबलेशन नेम मेथड नेम और वेरिएबल नेम्स और मे बी लेवल नेम्स. लेवल जस्ट डिसाइड करेंगे नेक्स्ट केसेस लाइक इन केस ऑफ लूप्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स. इसे सभी केस में जब आप कोई क्लास क्रिएट करते हो जैसे प्रीवियस केस में क्लास क्रिएट किया था लाइक अ सैंपल और पॉइंट लाइक दैट. तो क्लास क्रिएट करने का जनरल सिंटेक्स क्या रहता है क्लास एंड क्लास नेम. इस पर्टिकुलर केस में
क्लास के प्लेस पर कोई अदर वर्ड यूज करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। प्लस क्लास के केस में एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर यूज करना कंपलसरी, मींस इसका केस भी चेंज करना पॉसिबल, मींस सी को अपर केस में यूज करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मींस कंपाइलर्स के लिए ऑलरेडी इनके मीनिंग्स कैसे हैं? फिक्स्ड और रिजर्व्ड टू द कंपाइलर, इट इज नॉट चेंजेबल। लेकिन क्लास नेम के प्लेस पर कौन सा नेम यूज करना है आप खुद से डिसाइड कर सकते हो एवरी टाइम, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड करना पॉसिबल है। तो क्लास नेम इटसेल्फ क्या है? यूजर डिफाइंड नेम। तो सिंपली आइडेंटिफायर का सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिफायर इज एन यूजर डिफाइंड नेम्स इन जावा, और वी कैन से आइडेंटिफायर इज अ यूजर असाइंड और यूजर गिवन नेम्स। मीन्स अगर यूजर किसी पर्टिकुलर केस में खुद से कोई भी नेम डिसाइड कर रहा है, उस पर्टिकुलर थिंग का टाइप क्या है? वो ऑलवेज आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम्स, अगर इस प्लेस पर मैं कोई वेरिएबल नेम क्रिएट करता हूँ, लाइक जैसे इस केस में क्लास नेम प्रोवाइड किया समथिंग एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय केस में क्लास का नेम एम्प्लॉय होना चाहिए या ईएमपी होना चाहिए या कस्टमर होना चाहिए, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। सेम है इस केस में यूज किया आईडी, वो आईडी इंट के प्लेस पर फिक्स्ड है। मीन्स इस केस में कुछ भी चेंज करना पॉसिबल, मीन्स डिफरेंट टाइप ले सकते हो, लेकिन डिफरेंट टाइप के केस में नेम्स कैसे होंगे? एग्जैक्टली फिक्स्ड। लेकिन आईडी के प्लेस पर आप कोई भी नेम यूज कर सकते हो, मे बी आईडी, मे बी रोल नंबर, मे बी एस नंबर, मे बी एम्प्लॉय नंबर और ई नंबर, लाइक दैट। सेम एज सम मेथड, इस केस में मेथड नेम क्रिएट किया एज अ गेट एम्प्लॉय सैलरी और सिंपली गेट सैलरी। अब गेट सैलरी के केसेस में इसका रिटर्न टाइप क्या यूज करें? जनरली इंटीजर, देन मैटर और डबल, लाइक दैट। इस पर्टिकुलर केस में आईडी क्या था? यूजर डिफाइंड नेम, आपके लिए कोई भी नेम यूज करना पॉसिबल है। इस केस में फंक्शन का नेम और मेथड का नेम भी क्या था? यूजर डिफाइंड नेम, कोई भी नेम यूज करना पॉसिबल है। सेम है अगर इस केस में कोई पैकेज क्रिएट कर दें, लाइक इस केस में क्लास के प्रीवियस बिगिनिंग में प्रोवाइड किया सम पैकेज स्टेटमेंट, लाइक अ पैकेज, सम पैकेज नेम कॉम डॉट ईडीयू समथिंग। इस पर्टिकुलर केस में पैकेज नेम क्या? कॉम और ईडीयू, लाइक दैट। ये सारे नेम्स कैसे हैं? यूजर डिफाइंड नेम, यूजर खुद से डिसाइड कर रहा है, इसलिए इन सभी थिंग्स को नेम दोगे एज अ आइडेंटिफायर। मीन्स आइडेंटिफायर कोई स्पेशल केस नहीं है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट है, सिंपल थिंग्स है एज एन यूजर डिफाइंड नेम्स और नेम्स इन जावा। ये नेम यूजर डिफाइंड क्लास नेम भी हो सकते हैं, प्री डिफाइंड क्लास नेम भी हो सकते हैं। जितने भी आप प्री डिफाइंड क्लास नेम यूज करते हो सारे सारे क्लास नेम, और आपके माइंड में ये सेट नहीं होना चाहिए क्लास में जावा ने जैसे सिस्टम और स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड किए प्री डिफाइंड नेम्स है या रिजर्व वर्ड्स है। किसी भी क्लास को क्लास नेम को कभी भी रिजर्व वर्ड्स कंसीडर करना पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स क्लास नेम यूजर ने खुद से प्रोवाइड किए, मीन्स जिस पर्सन ने जावा टीम में वर्क किया हुआ उस पर्सन ने खुद से डिसाइड किया किस सिचुएशन में किस क्लास का क्या नेम प्रोवाइड करना है। लेकिन सभी क्लासेस को क्रिएट करने के लिए उसने वर्ड कौन सा यूज किया हुआ? क्लास। दिस इज फिक्स्ड थिंग्स, लेकिन क्लास नेम फिक्स्ड है क्या? नहीं, चेंजेबल। क्लियर? नेक्स्ट वन, रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए सिंपल रूल्स हैं, ऑलमोस्ट सेम एज सी एंड सी प्लस प्लस, जस्ट बेसिक थिंग्स। मीन्स एक या दो पॉइंट डिफरेंट होंगे, रिमेनिंग सारे केस कैसे हैं? सेम एज सी और सी प्लस प्लस। जनरली देखा जाए पर्टिकुलर टॉपिक्स में जितने भी अभी आपको टीच कर रहा हूँ इस सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सी और सी प्लस प्लस और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस केस में कुछ भी आपके लिए स्पेशल नहीं, मीन जो स्पेशल थिंग्स हैं वो मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी लर्न कर चुके तो आपको इस केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रूल मीन्स जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड नेम्स क्रिएट करते हो, लाइक अ वेरिएबल नेम और मेथड नेम्स, तो नेम्स के अंदर कोई भी सिंबल यूज करना पॉसिबल है, फिक्स्ड सिंबल्स अवेलेबल है। मीन्स अलाउड सिंबल्स क्या है इस केस में? ओनली अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के केस में फर्स्ट वन अलाउड सिंबल्स आर, जस्ट मैं डिस्कस किया कर रहा हूँ रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा आइडेंटिफायर्स। अलाउड सिंबल्स आर, जैसे आप खुद से नोट डाउन कर सकते हो, मैं सिंपली वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद से आप अपने नोट्स बना सकते हो। अलाउड सिंबल्स मीन्स अलाउड सिंबल्स क्या होंगे इस केस में? ओनली अपर केस अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, लोअर केस अल्फाबेट्स अगेन ए टू जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, देन डिजिट्स 0 to 9। अपर केस अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। लोअर केस अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। डिजिट्स कितने हैं टोटल 0 to 9? 10। एंड अंडर स्कोर, इस पर्टिकुलर सिंबल को माइनस न बोल के आप क्या बोलोगे? अंडर स्कोर।
ऑलरेडी आपके लिए नॉन है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है इसके। इसमें अंडरस्कोर अपने आप में काउंट करोगे जब सिंबल कैरेक्टर और सिंगल सिंबल। इसे सिंबल्स आपने ऑलरेडी यूज किए थे इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस, लेकिन जावा ने स्पेशली न्यू सिंबल परमिट किया है और न्यू सिंबल ऐड किया है। सिंबल का टाइप क्या है? डॉलर। इस जावा के केस में जब भी आप आइडेंटिफायर्स क्रिएट करोगे देन इन सिंबल्स के अलावा डॉलर भी यूज करना पॉसिबल है, लेकिन स्पेशली याद रखना आइडेंटिफाई नेम क्रिएट करने के केस में इसके अलावा आपके लिए कोई भी अदर सिंबल यूज करना पॉसिबल नहीं है। प्लस ये सिंबल भी किस मैनर में यूज करोगे, इन सिंबल्स को भी यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सारे रूल्स मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फर्स्ट वन, अलाउड सिंबल्स आर दैट वन। जैसे अगर आपने कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल समथिंग एम्प्लॉय सैलरी, इसके मैंने जितने भी सिंबल यूज किए, इसे एज्यूम कर लो सम आइडेंटिफायर नेम, मे बी क्लास नेम, मे बी वेरिएबल नेम, मे बी पैकेज नेम, मे बी इंटरफेस नेम, इनेबलेशन नेम, मे बी वेरिएबल नेम्स लाइक दैट और मेथड नेम्स। इस फाइनली इस टाइप का अगर यूजर ने खुद से कोई नेम प्रोवाइड किया तो ये नेम वैलिड होगा इनवैलिड? वैलिड, बिकॉज इसके अंदर मैंने जितने भी सिंबल यूज किए हैं सारे के सारे सिंबल इस कैरेक्टर सेट में अवेलेबल है या आइडेंटिफायर सेट में अवेलेबल है। एस कैसा? अपर केस। रिमेनिंग लेटर्स आर लोअर केस। अपर केस भी पॉसिबल है, लोअर केस भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसी सेम केस में आइडेंटिफायर नेम यूज करता हूँ एज ई एम पी, फॉर एग्जाम्पल सम वेरिएबल्स ई एम पी स्पेस सैलरी, इज इट वैलिड और नॉट? ये केस कैसा हुआ? वैलिड और इनवैलिड केस? इनवैलिड केस, क्योंकि इस केस में स्पेस यूज करना पॉसिबल नहीं है, मीन्स इनवैलिड केस। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्योंकि स्पेस इसके आइडेंटिफायर के केस में अलाउड सिंबल का पार्ट है क्या? नहीं, लेकिन स्पेस के प्लेस पर अंडरस्कोर यूज करना पॉसिबल है। ये केस कैसा है? वैलिड केस, देयर इज नो एरर, वैलिड आइडेंटिफायर नेम, क्योंकि ई ई भी इसके सेट का पार्ट होगा सेम है, अंडरस्कोर भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। वन मोर केस, ई एम पी डॉलर देन सैलरी, इज इट वैलिड और इनवैलिड? दिस इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि ई एम पी मीन्स ऑल स्मॉल लेटर्स, सैलरी मीन्स ऑल स्मॉल लेटर्स, डॉलर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए केस भी कैसा है? वैलिड केस। नेक्स्ट वन, अगर इस प्लेस पर कोई अदर सिंबल यूज करता हूं लाइक ई एम पी समथिंग एट द रेट सिंबल सैलरी, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड, जस्ट बिकॉज ऑफ एट द रेट सिंबल। एट द रेट सिंबल इस सेट का पार्ट है क्या? नहीं, इसलिए केस कैसा है? इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स। नेक्स्ट वन, अगर मैं स्पेस पर कोई डिजिट यूज करता हूं लाइक एम्प्लॉय 5 सैलरी, इज इट वैलिड और इनवैलिड? वैलिड केस, क्यों? इस केस में 5 किसका पार्ट है? डिजिट्स का। 5 इज ऑल्सो वैलिड सिंबल्स। क्लियर? इससे अलाउड सिंबल्स क्या होंगे? ओनली दैट वन। इसके अलावा अगर आप कोई भी सिंबल यूज करते हैं इंक्लूडिंग स्पेस, ये सारे केस कैसे होंगे? इनवैलिड केस। वन मोर थिंग्स, इंट ई एम पी कॉमा सैलरी, इज इट वैलिड आइडेंटिफायर नेम और इनवैलिड? इस केस में ई एम पी कॉमा सैलरी वैलिड केस और इनवैलिड? वैलिड केस, देयर इज नो एरर। हो सकता है आप सोचो इस केस में कॉमा तो इंक्लूडेड ही नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमा अपने आप में क्या है? आइडेंटिफायर सेपरेटर और वी कैन से कॉमा सेपरेटर, बिकॉज इस केस में मीन्स प्रीवियस केस में सभी केस में ओनली सिंगल आइडेंटिफायर क्रिएट हुआ था, लेकिन इस केस में टू आइडेंटिफायर क्रिएट हुए। एम्प्लॉई सेपरेट आइडेंटिफायर और सैलरी इज अ सेपरेट आइडेंटिफायर, मीन्स सेपरेट वेरिएबल नेम। इस डिक्लेरेशन में सिंगल वेरिएबल नेम है, टू वेरिएबल नेम्स, टू वेरिएबल नेम, मीन्स कॉमा या आइडेंटिफायर का पार्ट है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स का पार्ट है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एज अ वेरिएबल सेपरेटर। क्लियर? मीन्स एक इज वैलिड है। नेक्स्ट रूल, आइडेंटिफायर्स के केस में स्पेशली डिजिट्स के रिस्पेक्ट में बात करना, ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिजिट्स। आइडेंटिफायर में डिजिट्स को इंक्लूड करना पॉसिबल है, लेकिन डिजिट कभी एज अ फर्स्ट कैरेक्टर अपीयर नहीं हो सकता है, इट शुड बी मिडिल कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर, नॉट अ फर्स्ट कैरेक्टर। डिजिट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फर्स्ट सिंबल इन केस ऑफ आइडेंटिफायर नेम्स। अगर मैं इस केस में यूज करता हूँ लाइक सम स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट एस वन एस टू
एस थ्री लाइक दैट इट इज वैलिड डिक्लेरेशन। यहाँ से यहाँ वन क्या है डिजिट, टू क्या डिजिट, थ्री क्या डिजिट, लेकिन डिजिट ये अपीयर कम एज आ फर्स्ट कैरेक्टर मिडिल कैरेक्टर मिडिल कैरेक्टर्स। लेकिन अगर सेम केस में आप यूज करते हो लाइक फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लाइक दैट इज इट वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड नेम। क्यों इस केस में वन मैंने यूज किया जाए फर्स्ट सिंबल, मीन्स आइडेंटिफायर नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। क्लियर, इस रूल को आप नोट कर सकते हो, आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट्स, डिजिट्स कैन बी अपियर्ड एज अ मिडिल कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर नॉट अ फर्स्ट कैरेक्टर। वन मोर केस, यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल नेम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं केवल वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर बोलना पॉसिबल है, मीन्स रूल्स सेम रूल फंक्शन नेम और मेथड नेम के केस में अप्लाई होंगे, सेम रूल्स पैकेज नेम के केस में, सेम रूल्स फॉर लेवल नेम्स, लेवल्स जस्ट क्रिएट करेंगे लाइक इन केस ऑफ लूप्स और लेवल्ड लूप्स। क्लियर, दिस इज रूल्स रिलेटेड टू डिजिट्स। नेक्स्ट वन केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी, केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी की बात करना आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जावा इज एन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स क्या, इसके साथ अपर केस का मीनिंग डिफरेंट होगा, लोअर केस का मीनिंग डिफरेंट होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल्स अगर मैंने कोई वेरिएबल नेम क्रिएट किया विद इन अ फंक्शन, सम वी आर हैविंग सम मेथड एस एम वन, एम वन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया लाइक अ इंटीजर, सैलरी, देन विदिन अ ब्लॉक विदिन अ क्लास और विदिन अ मेथड, कभी भी सेम नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। मीन्स ये डिक्लेरेशन, अगर इस डिक्लेरेशन की बात करें, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे हैं, वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड क्योंकि मैं सैलरी के नेम से ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएट कर चुका हूँ, अगेन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर सेकेंड टाइम इनमें से किसी भी एक सिंबल का अगर मैं केस चेंज करता हूँ, जैसे एस प्रीवियस केस में स्मॉल था या फर्स्ट केस में स्मॉल है, अगर सेकेंड केस में इसको यूज करता है एज अपर केस, देन ये डिक्लेरेशन कैसा है, वैलिड। क्योंकि केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्मॉल कैरेक्टर स्मॉल सिंबल्स का मीनिंग डिफरेंट होगा और अपर केस का मीनिंग डिफरेंट होगा। सेम एज अगर मैं इस केस में यूज करता हूँ एज अ इंटीजर स्मॉल एस ए कैपिटल एल ए आर वाई, अगेन ये केस कैसा है, वैलिड। मीन्स आइडेंटिफाइड नेम्स ऑलवेज कैसे होना चाहिए, यूनिक विद इन अ ब्लॉक और विद इन अ क्लास। क्लियर, यूनिक किसके बेस पर हो सकते हैं, मे बी बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स और बेस्ड ऑन सिंबल्स और बेस्ड ऑन केस, अगर केस भी डिफरेंट है तभी भी आइडेंटिफायर कंसिडर होंगे एज अ डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफायर। सेम एज अगर मैं सारे के सारे कैरेक्टर यूज करता हूँ एज अ अपर केस, इट इज ऑल्सो वैलिड आइडेंटिफायर नेम। लेकिन किस मीन्स आइडेंटिफाई नेम की किस में, किस केस में अपर केस इंक्लूड करना चाहिए, किस केस में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मैं इस केस में सेपरेट कोडिंग स्टैंडर्ड आपको मेंशन करूंगा। क्लियर, दिस इज द थर्ड रूल। फर्स्ट रूल मैंने एक्सप्लेन किया था, अलाउड सिंबल्स आर अल्फाबेट्स डिजिट्स अंडरस्कोर डॉलर। वन मोर केस, आइडेंटिफायर नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पॉसिबल, जैसे मैंने डिजिट्स के केस में क्या बोला था, आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, लेकिन इनको आइडेंटिफायर्स को अंडरस्कोर या डॉलर से स्टार्ट करना पॉसिबल है लाइक दैट इट इज वैलिड आइडेंटिफायर नेम। वन मोर केस, आइडेंटिफायर नेम कैन कंटेंस ओनली अंडरस्कोर, मीन्स अगर मैं अगर केवल अंडरस्कोर भी प्रोवाइड करता हूँ तभी भी आइडेंटिफायर नेम इस वेरिएबल नेम और मेथड नेम कैसा हुआ, सेम सॉरी वैलिड। सेम है अगर मैं ओनली अंडरस्कोर सॉरी डॉलर सिंबल यूज करता हूँ तभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन या मेथड डिक्लेरेशन कैसा हुआ, वैलिड केस। क्लियर, दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू केस सेंसिटिव। नेक्स्ट वन लेंथ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, जैसे इस पर्टिकुलर केस में वेरिएबल्स के केस में लेंथ क्या था, इस केस में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस केस में आइडेंटिफायर का लेंथ क्या है, 9। तो इस टाइप से किसी भी वेरिएबल नेम्स को या फंक्शन नेम को या फिर क्लास नेम को क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम लेंथ यूज क्या करोगे, देयर इज नो मैक्स लिमिट, देयर इज नो मैक्स लिमिट। मीन्स सी लैंग्वेज के केस में आइडेंटिफायर लेंथ का आइडेंटिफायर के केस में लेंथ फिक्स था,
या आपके लिए चेंज ही होता, मीन्स कंपाइलर सेटिंग है एडिटर सेटिंग का यूज करके आइडेंटिफाई लेंथ फिक्स करना पॉसिबल था, मे बी 8, 16 लाइक दैट और 32, मैक्सिमम कितना यूज करते थे 32 इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज मैक्सिमम लेंथ क्या था 32, लेकिन कंपाइलर मीन्स एडिटर का यूज करके चेंज करना पॉसिबल था। लेकिन जावा के केस में अगर आइडेंटिफाई लेंथ की बात करें देयर इज नो मैक्स लिमिट, मीन्स किसी भी वेरिएबल नेम या मेथड नेम में 1000 नंबर ऑफ सिंबल्स भी यूज करना पॉसिबल है और सिंगल सिंबल का यूज करके भी क्रिएट करना पॉसिबल। अगर आप कोई वेरिएबल नेम क्रिएट करते हो लाइक इंटीजर एक्स 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 स्टार जो कंटिन्यूस फॉर्म में, अगर एक्स वाई एड कोई भी सिंबल आप 1000 टाइम यूज करो, सपोज इसके अंदर 1000 सिंबल है, तभी वे डिक्लेरेशन कैसा हुआ वैलिड इन जावा। लेकिन कन्वेंशन और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें कभी भी आपको लेंदी नेम्स यूज नहीं करना चाहिए, मीन्स आप हमेशा ट्राई करोगे स्मॉल नेम्स। स्मॉल नेम का भी मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी नेम यूज करो, नेम्स ऑलवेज कैसे होना चाहिए शुड बी रीडेबल और शुड बी मीनिंगफुल और शुड बी नाउन, क्लियर, देयर इज नो मैक्स लिमिट। अदर केस स्पेशली याद रखना जब भी आप आइडेंटिफायर्स क्रिएट करोगे, आइडेंटिफायर्स के केसेस में कभी भी कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मीन्स कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज identifiers, means as a subwords use करना possible, मैं especially बात कर रहा हूँ directly keywords को as a identifier name use करना possible नहीं। For example अगर मैं use करता हूँ integer, some variable name as do, is it valid or invalid? Invalid, reason? Because do is a keyword, means do just आप use किसके साथ में करते हो while loop के साथ, same as अगर मैं इस place पर use करता हूँ integer something 4, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड बिकॉज फोर क्या जावा कि इसमें एज अ कीवर्ड, कीवर्ड जस्ट मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा सेम एज, बट सपोज दैट अगर मैं स्पेस पर कीवर्ड सॉरी आइडेंटिफाइड नेम यूज करता हूँ डू, इज इट वैलिड और इनवैलिड? वैलिड बिकॉज इसके इसमें डी कैपिटल है और जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे कीवर्ड्स किस फॉर्म होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, मीन्स कभी भी आइडेंटिफाइज केस में कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफाइड नेम्स यूज करना पॉसिबल नहीं। दिस इज अनदर रूल रिलेटेड टू आइडेंटिफायर्स। अगेन मैं इसके इसमें रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वन अलाउड सिम्बल्स आर अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडर स्कोर एंड डॉलर। नेक्स्ट वन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, बट डिजिट्स कैन एपियर एज अ मिडिल कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर, डिजिट्स मोर देन वन टाइम यूज करना पॉसिबल है। नेक्स्ट इन मैक्सिमम लेंथ, देयर इज नो मैक्स लिमिट फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। और नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स जावा के केस में कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज करना पॉसिबल नहीं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर नेम और एज अ यूजर डिफाइंड नेम, मीन्स कहीं भी वेरिएबल नेम्स के प्लेस पर या मेथड नेम के प्लेस पर क्लास नेम के प्लेस पर कीवर्ड्स यूज करना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वन, मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया एज अ इंटीजर और वेरिएबल का नेम यूज कर रहा हूं इटसेल्फ एज स्ट्रिंग, इज इट वैलिड वेरिएबल नेम और इनवैलिड वेरिएबल नेम? इट इज वैलिड वेरिएबल नेम्स। जिस रियल में देखा जाए तो जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड एपीआई क्लास इन जावा, लेकिन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ स्ट्रिंग क्लास नेम है और क्लास नेम कभी भी कोई कीवर्ड नहीं होता है। क्लास नेम मीन्स चाहे वो आपने खुद से क्रिएट किया हो या फिर एपीआई क्लास हो, इन सभी क्लास नेम को इंटरफेस नेम को कंसिडर किया जाता है, ऑल्सो आइडेंटिफायर इट इज वैलिड नेम, क्लियर। मीन्स जावा इसका मीनिंग क्या हुआ, जावा के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड क्लास नेम या इंटरफेस नेम या वेरिएबल नेम्स एवरीथिंग, जावा के अंदर जितने प्रीडिफाइंड नेम्स हैं एक्सेप्टिंग कीवर्ड्स, सभी नेम्स एज आइडेंटिफाइड नेम यूज करना पॉसिबल है, क्लियर। लेकिन याद रखना कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग कभी भी एपीआई क्लासेस को या किसी भी क्लास नेम को एज आइडेंटिफाइड नेम यूज नहीं करना चाहिए, मीन्स आइडेंटिफाइड नेम मीन्स एज अ वेरिएबल नेम, मीन्स सपोज दैट जावा के केस में स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास है, अगर आप चाहो तो खुद से भी न्यू क्लास एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करना पॉसिबल है, सेम न्यू क्लास एज अ सिस्टम क्रिएट करना पॉसिबल है। इस केस में कभी भी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा ना ही रन टाइम एरर, जबकि यूजर डिफाइंड नेम इसलिए आपके लिए अगेन फिर से एज अ यूजर डिफाइंड क्लास नेम यूज करना पॉसिबल है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज, नॉट रिकमेंडेड। रीजन, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड
गॉन टू बी डाउन। इस केस में कोड कैसा होगा आपका, नॉन रीडेबल, नॉट अ रीडेबल। इस केस में पता ही नहीं चलेगा ये क्लास नेम यूजर डिफाइन इन फ्यूचर। आपके केस में छोड़ दो, आपको पता आपने खुद से डिसाइड किया, बट सपोज दैट आपका क्लास कोई अदर थर्ड पर्सन यूज करता था तो उसको कैसे पता चलेगा प्रीडिफाइन एपीआई क्लास है ये यूजर डिफाइन क्लास है। इस केस में मैंने इशू किया रीडेबिलिटी इशू। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट केस में डिस्कस करें अबाउट कीवर्ड्स इन जावा। इससे जस्ट पहले मैं डिस्कस करूंगा सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू आइडेंटिफायर्स।